गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 इन इंग्लिश ग्रामर. चैप्टर नेम एडजेक्टिव्स. फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज एडजेक्टिव. एज आई हैव टोल्ड यू एडजेक्टिव द वर्ड्स विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. मी या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. या नाउन को और ज़्यादा डिफाइन करें वही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. अब नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्या है, एनी पर्सन, किसी का नेम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनी थिंग्स, ये सब क्या हमारे नाउन्स कहलाते हैं. और नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं रिप्लेस में वही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. तो इन जिस सब की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस. आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए उसमें आपको एडजेक्टिव बताना है. फर्स्ट, प्लीज़ गिव मी सम राइस इन अ स्मॉल बाउल. अब सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स ढूंढने के लिए सबसे पहले आप नाउन ढूंढिए. नाउन कौन सा है, नाउन या प्रोनाउन. अगर उसमें प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ढूंढिए, नाउन है तो नाउन. तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे हमारा नाउन क्या है, राइस और बाउल. अब राइस की क्वालिटी क्या बताई जा रही है, सम, और बाउल की स्मॉल. तो यही दोनों हमारे एडजेक्टिव्स हुए, सम एंड स्मॉल. नेक्स्ट है, मोबाइल फोन्स आर यूजफुल. अब इसमें सबसे पहले हम नाउन ढूंढेंगे. नाउन क्या है, मोबाइल फ़ोन, और इसकी क्वालिटी क्या है, ये कैसा है, यूजफुल. तो यूजफुल इज एडजेक्टिव. नंबर थर्ड, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब वही है कि आप सबसे पहले इसमें नाउन ढूंढिए. नाउन क्या है, स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या बताई जा रही है, 20. तो 20 यही हमारा एडजेक्टिव है. नंबर फोर, प्लीज़ गिव मी सम मनी. सम मनी, अब जो हमारा नाउन होगा, नाउन क्या है, मनी, और मनी की क्वालिटी क्या बताई जा रही है, सम. तो सम क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव. नंबर फाइव, दिस फील्ड इज़ फुल ऑफ लिलीज, द लिलीज आर ब्यूटीफुल. अब इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि दिस फील्ड, ये फूल है जो ये फील्ड है जो किससे भरा हुआ, लिली से. और लिली कैसे, बहुत सुंदर, लिली सुंदर है. तो इसमें हमें दो नाउन्स मिल रहा है, कौन कौन से, सब फर्स्ट है फील्ड और सेकेंड है लिलीज. अब फील्ड, फील्ड की क्वालिटी क्या बताई जा रही है, दिस मीन्स ये है फील्ड, जो फील्ड को बताया जा रहा है, यह फील्ड फूलों से भरा हो. तो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव दिस हुआ, और सेकेंड, द लिलीज आर ब्यूटीफुल, जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं, जो लिलीज के फूल हैं वो कैसे ब्यूटीफुल हैं. तो ये ब्यूटीफुल हो गया, दिस और ब्यूटीफुल, ये दोनों हमारे एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट एन एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. आपको यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, उनके आपको एडजेक्टिव लिखने हैं. ठीक है, फर्स्ट है कैट. तो कैट का हम एडजेक्टिव, अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं जो कोई भी क्वालिटी बताए तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. जैसे कैट हम लिखा, इसमें लिखा है लेजी, आप चाहें स्मॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्लाउन. क्लाउन का एडजेक्टिव फनी, मींस क्लाउन की अगर विशेषता बताई जाए क्या है, कि क्लाउन मजेदार है, फनी है. आंट, टिनी, आपने देखा कि चींटी छोटी होती है. स्काई, ब्लू. और केक, डिलीशियस. बुक का एडजेक्टिव थिक. बैग, पिंक, आप चाहें कोई भी कलर भी लिख सकते हैं. फॉक, स्लाई. डॉग, फेथफुल. और आउल, वाइज. ये सब क्या हो गए, नाउन, जो हमारे नाउन हैं उन सभी के एडजेक्टिव्स हो गए. थैंक यू.